जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने बुधवार के सुबह समाहरणालय के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में जिला परिषद के लिए निर्वाचित सभी 29 सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उपायुक्त ने सभी सदस्यों को जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया से अवगत कराया। इसके बाद सभी सदस्यों ने प्रपत्र 25 में अध्यक्ष के नाम का निर्देशन कर अध्यक्ष के लिए नामांकन किया। नामांकन के बाद पत्रों की जांच की गई और बैलेट पेपर की तैयारी की गई। इसके बाद सभी ने वोटिंग की। काउंटिंग के बाद क्षेत्र संख्या 21 की शारदा सिंह को सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण जिला परिषद अध्यक्ष के लिए नाम घोषित किया गया। इसके बाद उपायुक्त ने जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिया। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो ने काफी मेहनत की थी। इसका नतीजा था कि उनके प्रत्याशी की जीत हुई। जीत के बाद सर्किट हाउस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक ढुल्लू महतो सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। वहीं हमारे संवाददाता अमर ने निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष सहित भाजपा विधायक ढुल्लू महतो और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से भी वार्ता की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अभी जो है हम सर्किट हाउस में और यहाँ पे धनबाद में जो है हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं झारखंड के बीजेपी के दीपक प्रकाश जी। इनसे बातें करते हैं कि सर, सबसे पहले तो आज जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, तो क्या इसकी बधाई देना है? भाजपा पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहराया है, हमारे कार्यकर्ता अधिकतम स्थानों पर चुनाव जीते हैं। मोदी जी के सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का एक प्रतीक है और साथ साथ में हम कह सकते राज्य की सरकार के आक्रोश की अभिव्यक्ति। सर, प्रदेश का हाल बहुत बुरा चल रहा है, लगातार चुनाव आयोग की तरफ से प्रदेश के सीएम को नोटिस जाता पर जवाब नहीं देते, इस पर सर बहुत बड़ी विपक्षी पार्टी सबसे बड़ा प्रदेश में, इस पर क्या? सरकार नहीं, सर्कस है, भ्रष्टाचार में अव्वल है, विकास में पूरी तरह से विफल है। सरकार नहीं, सर्कस है ना? निश्चित तौर पर सरकार नहीं है, सर्कस है। और सारे मंत्री और सत्तारूढ़ दल के विधायक आज पूरी तरह से असफल है। बिजली नहीं मिलती है, जिस धनबाद में कोयला पूरे भारतवर्ष को भेजता है, बिजली उससे जलती है, लेकिन यहाँ पर बिजली का कोई दूर दूर तक आज संकट है। सर, और लगातार जो है आपदाओं का, खनिज आपदाओं का लूट हो रहा है सर, इस पर भी मतलब पार्टी का क्या रुक रहेगा सर? इतने बड़े विपक्ष लगातार लड़ रहे हैं, हम हर दिन लड़ रहे हैं, हर क्षण लड़ रहे हैं, हर पल लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, राज्य सरकार के खिलाफ। सर, एक बहुत बड़ा राष्ट्र सवाल भी है कि आप 18 को राष्ट्रपति का चुनाव होना है सर, आप इस पे सर बीजेपी का क्या रहेगा रुख? के चुनाव केंद्रीय नेतृत्व है, अब उसका जो निर्णय होगा, जो भी उम्मीदवार होंगे उसके लिए सारे विधायक पार्टी के सांसद मतदान करेंगे। इसी सर्किट हाउस में भाजपा के बागमारा विधायक जो है ढुल्लू महतो जी भी है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या रहा है। 29 में तो 25 आ गया, 25 उपाध्यक्ष में भी आएगा, और सारे लोग हमारे पार्टी के हैं, पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह से काम किया, आने वाला समय में हम लोग मजबूती ढंग से काम करेंगे। सर, लगातार ऐसा पार्टी ने मतलब लगातार एक मोर्चा बांध दिया था, कईयों को दार्जिलिंग घुमा के लाया, फिर आज यहाँ पे भी मतलब चुनाव के ठीक पहले सर्किट हाउस में पूरा रणनीति बन रहा है, तो इस पर सर क्या? नहीं, कोई रणनीति नहीं बन रहा, सारे लोगों का इच्छा भी है कि नहीं पार्टी के साथ हम रहेंगे, ढुल्लू महतो के साथ रहेंगे, आज उनको विश्वास है, हमारे कार्यशैली पर उनका विश्वास है, हमारे सेवा के प्रति उनका विश्वास है, उसी के परिणाम कि आज हमारे साथ खड़े हैं, और हमारा लगता है आने वाला समय पूरे धनबाद, पूरे झारखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा होंगे। तो सबसे पहले बधाई आपको बहुत। जी, धन्यवाद। लेकिन आप क्या योजनाएं लेकर के आएंगे इस प्रदेश में, मतलब इस पूरे जिला में सुधार के लिए? सुधार के लिए काम करना है, जो काम पेंडिंग है उस पर भी काम करना है, और आगे जो आएगा जिला में काम, वो सारे कामों को करना है, तभी तो हम लोग तभी तो विकास हो पाएगा, काम ही एक विकास है। एक इतने बड़े पद पे मैम, राजनीतिक पद पे कहीं महिलाओं को देखा जाना बहुत बड़ा बात होता है, बहुत कम है योगदान, अब आप आई हैं, तो महिलाओं के लेकर खास क्या रहेगा कोई कदम? महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, उनके अंदर हर महिला के अंदर शक्ति होती है, बस उसे उजागर होने की जरूरत होती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर महिला अपनी शक्ति को पहचाने जितने, और आगे काम करें, अपने हक के लिए खुद लड़ें, जो उनका अधिकार है वो उन पूरी तरह से मिले। मैम, वैसे झारखंड में जो है सबसे बड़े विपक्ष आपके कह सकते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, पर अब यहाँ पे बीजेपी का बनने जाला जिला परिषद अध्यक्ष, तो इसको लेकर के क्या रणनीति रहेगा, कैसे इससे डील करेंगे, कैसे काम करेंगे? इसके लिए भी है ना, मेरे बड़े भैया लोग हैं, विधायक जी लोग हैं, मेरे पति हैं, ये लोग सोचेंगे, और अभी इसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। चलिए, राह दिखाएंगे फिर आप चलेंगे ना? जी बिल्कुल। तो इनके पति भी इनसे बात करते हैं, तो क्या रणनीति रहेगा, यहाँ तक इनको लाने में क्या क्या हुई, और आगे कहाँ तक ले जाना है काम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हम मंडल अध्यक्ष हैं, बागमारा विधानसभा मोदा मंडल का। हम जो चुनाव लड़े थे
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चलेश्वर महतो की बहू लड़ी थी और मेरी धर्मपत्नी लड़ी थी। मेरा चुनाव जीतना और यहाँ तक जीप अध्यक्ष का कुर्सी तक आने में हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई माननीय श्री ढुल्लू महतो जी का अहम भूमिका, उन्हीं का मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। भाजपा का हम लोग कट्टर कार्यकर्ता हैं, निचले लेवल का कार्यकर्ता हैं। भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, पूरे धनबाद जिला जो ग्रामीण धनबाद जिला ग्रामीण है अंतिम व्यक्ति तक हम लोग हर वो विकास की किरण है जो नरेंद्र मोदी से लेकर चलती है वो हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे दीपक मिश्रा जी, ढुल्लू माथो सबसे बात की हमने और जो शारदा सिंह उनके पति सभी से बात किया, किन किन मतलब क्षेत्रों में करेंगे क्या डिसीजन लेंगी नहीं लेंगी, क्षेत्र में कितना हद तक वो सुधार ला पाती है देखने वाली बात यही होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिरर मीडिया के लिए कैमरामैन दीपक के साथ अमर कुमार, धन्यवाद।